साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इंदिरा गांधी की मौत से जुड़ी पूरी कहानी। 30 अक्टूबर 1984 ये वो दिन था जब इंदिरा को अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा पहले से ही होने लगा था, क्योंकि इंदिरा ने इस दिन अपनी रैली के दौरान जो कुछ कहा था वो उसी तरफ इशारा कर रहा था जैसे उनके साथ कोई बड़ा हादसा होने की भनक उन्हें पहले ही लग गई हो। वो ऐसे कौन से शब्द थे जो इंदिरा ने अपनी मौत से पहले कहे थे? इसी के साथ चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और बताते हैं इंदिरा के उन आखिरी शब्दों के बारे में। अपनी हत्या से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर की चुनावी रैली में जो कुछ भी कहा था उससे एहसास होता है कि शायद सच में उन्हें अपने साथ किसी हादसे की अनुभूति पहले ही हो चुकी थी। दरअसल साल 1984 के दौरान देश में सिख और हिंदू के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका था। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के घुसने के कारण वहां सेना भेजी गई थी। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैकड़ों लोग मारे गए थे। स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के कारण सिखों में काफी गुस्सा था। इसके बाद से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी थी। इतना ही नहीं, स्वर्ण मंदिर की घटना के बाद फैसला लिया गया था कि उनकी सुरक्षा में लगे सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया जाए। ये सुनकर वो काफी नाराज हुई थी और सिख अंगरक्षकों को वापस बुलाया गया था। अब चलिए पहले आपको बताते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह क्या हुआ था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। बात 31 अक्टूबर की है। आपको बता दें 31 अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर को इंदिरा उड़ीसा स्थित भुवनेश्वर में एक चुनावी भाषण दी थी। इसी जगह इंदिरा ने कहा था कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाएगा, और अगर मेरी जान जाएगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून भारत को जीवित करेगा। रोजाना की तरह इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर की सुबह उठी, अपने सफदरगंज के लॉन में सैर के लिए गई और उस वक्त उनसे मिलने ब्रिटेन से पीटर स्नोव आए थे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। उसी सिलसिले में उनका इंटरव्यू था जो कि लॉन में ही रखा गया था। बता दें उस दिन इंदिरा के अंगरक्षक बहिंद सिंह और सतवंत सिंह की ड्यूटी मेन गेट पर लगी थी। इंदिरा लॉन में जब आई तब उनके साथ उनके निजी सचिव और आरके धवन, हेड कांस्टेबल नारायण सिंह चल रहे थे। इंदिरा को धूप से बचाने के लिए नारायण सिंह ने छाता लिया हुआ था, तो वहीं धवन इंदिरा से 3-4 फीट की दूरी पर थे। तभी वहां से एक वेटर गुजरा जिसे इंदिरा ने रुक रुक कर कप और प्लेट बदलने की बात कही, तो वो मेन गेट के पास पीटर से मिलने जा रही थी। 11 फीट की दूरी से ही इंदिरा के अंगरक्षकों ने उन्हें नमस्ते कहा और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा इंदिरा को पहले से ही हो रहा था। लेकिन जब वो मेन गेट से करीब 11 फीट दूरी पर थी तभी इंदिरा के अंगरक्षकों बेहंत और सतवंत ने उन्हें नमस्ते कहा, जिसका जवाब इंदिरा ने मुस्कुरा कर दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती बेहंत सिंह ने उन पर हमला कर दिया। बेहंत की पहली गोली इंदिरा के पेट में लगी। तब इंदिरा ने कहा था कि बेहंत ये क्या कर रहे हो। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए दाहिना हाथ उठाया लेकिन बेहद ने बेहद नजदीक यानी पॉइंट ब्लैक ब्लॉक से ही फायर कर दी और किया गया था। ये गोलियां सीने और कमर में लगी। इंदिरा गांधी को गोली लगने वाली जगह से करीब 5 फुट की दूरी पर सतवन सिंह टॉम्सन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ मौजूद थे। बेहंत ने उसे चिल्लाकर कहा गोली चलाओ, जिसके बाद सतवन ने भी फायरिंग शुरू कर दी और उसने करीब 1 मिनट से भी कम समय में पूरी मैगजीन खाली कर दी। इंदिरा जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी, उनका शरीर गोलियों से छलनी था। उसके बाद बेहंत और सतवन ने हथियार नीचे डाल दिए और कहा हमने जो कुछ भी किया हमें वही करना था, वो कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम करो। 31 अक्टूबर 1984 ये वो दिन था जब ऐसा लग रहा था कि इंदिरा की मौत की बिसात पहले ही बीत चुकी थी और अब उन्हें खुद ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा के बंगले पर हमेशा खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां मौजूद नहीं था। इंदिरा को धूप से बचाने के लिए छाता लेकर चल रहे नारायण सिंह आगे आए, उन्होंने बेहंत को जमीन पर पटक दिया। सतवंत सिंह को आईटीबी के जमानों ने घेर लिया। इंदिरा के बंगले पर हर वक्त एम्बुलेंस मौजूद रहती है लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। हालांकि तुरंत उन्हें एक सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखकर सुरक्षा अधिकारी दिनेश भट्ट, कांग्रेस नेता माखनलाल फतेहबार और निजी सचिव आरके धवन और सोनिया गांधी एम्स लेकर आए। आपको बता दें इंदिरा का सिर बहू सोनिया की गोद में था, सबकी आंखों में नम थी और इंदिरा खून से लथपथ मौन थी। करीब 9:32 हो रहा था
तभी सब इंदिरा को लेकर एम्स पहुंचे। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इंदिरा की हालत देखकर चौंक गए। कुछ देर में वहां डॉक्टर एम एम कपूर, डॉक्टर एस बालाराम और डॉक्टर गोलिया पहुंचे। इस दौरान इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया। डॉक्टर बताते हैं कि उनके फेफड़े में गोली लगी थी, साथ ही गोलियों के कारण रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल सुरक्षित था, उनके लीवर का दायां हिस्सा गोली लगने से बुरी तरीके से छलनी हो गया था और बड़ी आंत में करीब 12 छेद हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका और 31 अक्टूबर के दिन करीब 2:37 पर इंदिरा को मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा का अंतिम संस्कार 3 नवंबर 1984 को किया गया। किस्सा राजनीति का में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप राजनीति से जुड़े किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।